नमस्ते, ट्रेन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गुस्से पर नियंत्रण के स्निपेट रिमाइंडर्स। गुस्सा समय समय पर हमें परेशान करता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। इस पर नियंत्रण रखना सीखना बहुत जरूरी है। आइए गुस्से के बारे में और सीखते हैं। गुस्सा क्या है? ये एक भावना है, एक एहसास है, जैसे कि उदासी, डर और खुशी। ये हल्का हो सकता है, उदाहरण के लिए चिढ़ना या खराब मूड, या काफी भयंकर हो सकता है। गुस्से में लॉजिक भी हो सकता है और नहीं भी। जब गुस्सा आता है, वास्तविकता बदल सकती है और बेमतलब विचार दिमाग में आ सकते हैं। हल्के गुस्से को नियंत्रित करना आसान है, इसका भयंकर रूप तेजी से हाथ से निकल सकता है। गुस्से का कारण क्या है? अपनी बात को ना रख पाना, अन्य व्यक्ति की बात को न समझ पाना, इस बात की निराशा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, अचानक निराशा की भावना पैदा होना, सम्मान न होने की भावना, और ये भावना कि आपकी शान को ठेस पहुंची है। जब आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते तो आपका गुस्सा उभर रहा है। आइए गुस्से की अवस्थाओं को देखते हैं। चरण पहला, जब इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत होने का कोई कारण हमेशा होता है। ये किसी ऐसी सूचना से शुरू होता है जिससे आपको धक्का लगता है, या ये कोई बहस हो सकती है जो बढ़ती है, कोई खतरा हो सकता है जिसे हम महसूस करते हैं, या फिर सामान्य बातचीत का खत्म होना हो सकता है। किसी चीज के बारे में नापसंदगी का बढ़ना इसकी शुरुआत का एक कारण हो सकता है। जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतना ज्यादा ये आग बबूला होगा। ये कैसे होता है? चरण दूसरा, जब ये बढ़ता है, शारीरिक लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे कि सांस तेजी से चलने लगती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है, आवाज तेज हो जाती है, आंखों का आकार बदल जाता है, पुतलियां सिकुड़ जाती है, भौहें गिरने लगती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे ही आप इन शारीरिक संकेतों को देखें, तो सावधान होकर शांत हो जाएं। चरण तीसरा, जब क्रोध फूटता है, आपके बचने की प्रवृत्ति उभर आती है, लड़ो या भागो जैसे विचार आने लगते हैं, करने या कहने के लिए जवाब दिमाग में आने लगते हैं, आपकी फैसला करने की ताकत घट जाती है, स्थिति, घटना या व्यक्ति के लिए नफरत पैदा होने लगती है, बदला लेने की इच्छा पैदा होती है, शारीरिक तौर पर मारपीट की शुरुआत हो सकती है और गुस्सा फटता है। एक गहरी सांस ले। चरण चौथा, जब ये गुजर जाता है, शारीरिक संकेत सामान्य हो जाते हैं, होश आ जाता है, आप सोचना शुरू करते हैं कि क्या हुआ है, और फिर पछतावा होता है, खेद की भावना पैदा होती है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं कि ऐसी चीजों को होने से ही रोक दे। आइए अब सबसे अहम पहलू पर बात करते हैं, गुस्से को कैसे नियंत्रित करें। गुस्से को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। आइए इनमें से किसी एक से शुरुआत करते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब ये आने लगे तो 10 तक गिनती गिने, फिर एक गहरी सांस ले, एक पल के लिए रुके, किसी और विचार या चीज पर ध्यान दे, निर्णय या कार्रवाई में देरी या स्थगित करना, किसी और हल अथवा काम के बारे में सोचे, थोड़ी कसरत करें, ये वास्तव में मदद करती है। अपने आप को या अपने कामों को सही ठहराना बंद करें, अपने से कहे आओ इसके बारे में सोचे, हमेशा सोचने के लिए एक पल का समय ले,
इससे मदद मिलती है। अपने से ये सवाल पूछे, वास्तव में क्या हो रहा है। व्यक्तित्वों और मुद्दों को अलग अलग करें। अपने आप से पूछे, वो क्या है जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, वो क्या है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति से क्या उम्मीद रखता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा है। एक कागज पर इन सवालों को लिखे और उनके जवाब दे। ये आपको धीमा कर देगा और आपको ठीक से सोचने में मदद देगा। आइए एक कहानी से गुस्से को नियंत्रित करना सीखे। आप हवाई अड्डे पर हैं और आपकी उड़ान में देरी होती है। एक यात्री वास्तव में काफी गुस्से में आ जाता है और दूसरा बैठे हुए किताब पढ़ता रहता है। आप इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में क्या सोचते हैं? सच्चाई उनकी सोच में है। जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा ही आपका व्यवहार होता है। प्रतिक्रिया देने के पहले हमेशा ठंडे दिमाग से सोचे। मुस्कुराना सीखे। चीजें बदल जाएंगी। आपके अंदर सब्र होना जरूरी है। कुछ और काम करने लगे जिससे आपका ध्यान बटे। अगर इनमें से कोई उपाय काम न आए तो मदद मांगे। आप स्वयं के मालिक हैं, आपका गुस्सा नहीं। जीत हासिल करें, गड्ढे में ना गिरे। और वीडियोस के लिए www.traintosuccess.in पर विजिट करें।